नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर वैशाली के देसरी से है, जहां राजा पाकर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी महेंद्र राम के पक्ष में वोटिंग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देसरी के जफराबाद स्थित एसपीएस कॉलेज परिसर में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में राजा पाकर विधानसभा के उम्मीदवार को अपार मतों से जिताने की अपील करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पति पत्नी की सरकार होती थी तब लोग अंधेरे में जीने को मजबूर थे, लेकिन आज सभी लोग बिजली के चकाचौंध में जी रहे हैं। वहीं इस सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। 15 साल का मौका मिला जाके अंत में उनके 15वें साल में बजट कितना था? 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का बजट होता था, और हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया। बढ़ता गया, अब 2,11,000 करोड़ का बजट हो चुका। तो हम लोगों ने सेवा किया, और आपको मालूम है विकास दर कितना बड़ा है? बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन विकास दर देश का सर्वाधिक हुआ। 12.8% के दर से विकास का दर हर साल हुआ, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.5% के दर से। तो हम लोगों को अपराध का नियंत्रण, विकास का काम।